Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. So now students, I am starting up exercise 1.2 question number 5. So that the signum function. So students, today I will start exercise 1.2 question number 5. Show that the signum function f such that r to r is given by. तो student, ये signum function है जिसको इस तरीके से लिखा गया है. इसमें हमें ये show करना है कि neither 1 nor on 2. तो अब student, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि domain क्या है इसका. तो देखिए, domain x is ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो. अब लेस देन जीरो जब होगा तो स्टूडेंट्स कहीं से भी हम इसको शुरू कर सकते हैं कि डॉट 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 माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन फिर जीरो फिर आएगा वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये इसका डोमेन आएगा और इसका स्टूडेंट्स जो कोडोमेन है, इसका जो कोडोमेन है उसमें केवल तीन ही नंबर है. देखिए, एफ एक्स की वैल्यू ही कोडोमेन कहलाती है. तो माइनस वन जीरो और वन. तो अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, पहले इसको आप समझ लीजिए. देखिए, एफ माइनस थ्री, इसकी वैल्यू देखिए, लेस देन जीरो के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस वन, तो माइनस वन आएगी. एफ माइनस टू की वैल्यू निकालोगे आप तो भी माइनस वन आएगी. फिर अगर हम ये दो वैल्यू सेम आ गए स्टूडेंट, केवल जीरो के लिए जीरो होगी, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो. फिर अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करें, एफ वन एफ टू एफ थ्री, इन सब की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, प्लस वन होगी. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्स के स्टूडेंट्स डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, वन लिया टू लिया थ्री लिया, तो अगर एक्स के डिफरेंट एलिमेंट लेने पर भी स्टूडेंट्स एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही. तो अगर ये वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो वन वन नहीं है. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे जो एलिमेंट होंगे तो ये फंक्शन हमारा वन वन नहीं है. अब बात आती है ऑन टू के लिए. तो अब स्टूडेंट्स, एक्चुअल में इसका जो ये डोमेन तो आर है, लेकिन यहाँ पर ये स्टूडेंट्स कोडोमेन नहीं होगा, इसका रेंज होगा. ये सॉरी, इसका क्या होगा, रेंज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात अगर हम करें तो डोमेन में इतने भी एलिमेंट आएंगे, क्योंकि डोमेन भी इसका आर है और कोडोमेन भी आर है. क्योंकि जब इसका स्टूडेंट्स कोडोमेन जो है, कोडोमेन कितना है इसका, है रियल नंबर्स कोडोमेन. यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो कोडोमेन है वो आर है. तो अब अगर हम ये बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमने आपको समझाने के लिए इतनी चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन कर दी. अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि एफ एक्स वन बराबर काय के एफ एक्स टू के, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू तो है, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ एक्स वन की वैल्यू देखिए कितनी ली गई, वन, और एक्स टू की वैल्यू ली गई टू, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, बट एक्स वन डज नॉट इज इक्वल टू एक्स टू. फॉर देखिए, दैट इज हमने एक्स वन की वैल्यू वन ली और एक्स टू की वैल्यू कितनी ली, टू ली. तो ये स्टूडेंट्स दोनों वैल्यू कैसी हैं, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, लेकिन इनके लिए जो एफ वन और एफ टू है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई. तो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू तो सेम है स्टूडेंट्स, लेकिन एक्स वन और एक्स टू जो है ये दोनों इक्वल नहीं है. सो एफ इज नॉट ऑन टू, वो वन वन. सो एफ इज नॉट वन वन. तो ये स्टूडेंट क्या है, फंक्शन हमारा वन वन नहीं है. अब ऑन टू की बात करते हैं. ये ऑन टू के लिए आप ये डायग्राम बना दीजिए. अब देखिए, कोडोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर है. ये कोडोमेन हमारा जो है वो ये रियल नंबर है.
यहाँ पर, और ये भी हमारा रियल नंबर है। अब इसमें अगर हम नंबर लेते हैं, सपोज करिए हमने माइनस थ्री लिया, माइनस टू लिया, माइनस वन लिया, जीरो लिया, ठीक है, इस तरीके से नंबर ले लिया हमने, वन ले लिया, टू ले लिया, थ्री, ये सेम नंबर इसमें भी हम लिख देंगे, ज़ीरो, वन, टू और थ्री। अब स्टूडेंट्स माइनस थ्री की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू देखिए, ये आएगी माइनस वन, जितने भी माइनस के नंबर हैं इन सब की वैल्यू ये वन आ गई, माइनस टू की वन आ गई, माइनस वन की वन आ गई, तो इस तरीके से आ गया, जीरो के लिए ज़ीरो हो गया। फिर स्टूडेंट्स वन की वैल्यू भी वन है, टू की वैल्यू भी वन है और थ्री की वैल्यू भी वन है, तो ये तीन एलिमेंट अगर हम छोड़ दें स्टूडेंट, वन, जीरो और माइनस वन, इन तीन के अलावा इसमें जो एलिमेंट हैं, इन इसमें जो और भी इसके अलावा जो एलिमेंट है उनका प्री इमेज यहाँ पर नहीं है। देखिए टू का कोई प्री इमेज यहाँ पर नहीं है, तो अब स्टूडेंट इसमें हो जाएगा कि सम एलिमेंट्स, एक ही लैंग्वेज है स्टूडेंट, इसको रट लीजिए कि सम एलिमेंट्स ऑफ आ कोडोमेन, सम एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ अ कोडोमेन हैज नॉट अ प्री इमेज इन डोमेन, या यहां पे यहां लिख दीजिए कि रेंज ऑफ एफ, आर एफ का मतलब है रेंज ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, ये इसके इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था।